मैं कोई पागल हूँ कि मैं तुम्हारे एक वो जो है ना वो वॉकर के चक्कर में तुम्हारे वॉकर के चक्कर में बच्चों को साथ लेके जाऊँ, जब तुम्हें पता है मैं बच्चे साथ लेके जाती, तुमने मुझे वॉकर गिफ्ट क्यों की? फील करोगी ना बीमारी उतना ज्यादा लगती है, ठीक है? तो डोंट फील इट, ओके? सो गाइज, हम लोग ऑफ द बेस्ट मूवी, मैं कहूँगी बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, कंदील बलोच पे बेसिकली वो बनी हुई है. To the city streets, we began to feel the fire. Hello everyone, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. So guys, हम लोग बहुत ज्यादा फॉरेन कंपनी के चेयरमैन चल रहे हैं और हम लोग इस वक्त वाकरी मूवी देखने के लिए आए हैं. वाकरी मूवी एक न्यू मूवी आई है, आई डोंट नो कैसी होगी, बट यू नो हम लोग के पास कोई और काम नहीं था तो हमने कहा यार लेट्स गो. सो हम लोग आ गए हैं मूवी देखने के लिए. सो यार लेट्स गो. मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है और बीमार जो है ना वो तुम बीमारी जितना ज्यादा फील करोगी ना बीमारी उतना ज्यादा लगती है, ठीक है? तो डोंट फील इट, ओके? सो गाइज, हम लोग जो है ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई सीन ये है कि कराची में यार जगह ही नहीं बची है. जी कराची में यार जगह ही नहीं. गाइज, तो हमने खाना शाना खा लिया बड़े मज़ेदार सा और अब हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं मूवी देखने के लिए. एंड लेट्स गो. ओके गाइस, सो हम लोग ये वाली मूवी देखने आए हैं वक्री. सो गाइज, हमने मूवी देख ली है वक्री. मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी, मैं कहूँगी बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, कंदील बलोच पे बेसिकली वो बनी हुई है, अच्छा कंटेंट है, आप लोगों को देखने आना चाहिए. अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं. खैर, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं, चल के कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद सर्दियों की जो रातें हैं ना वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, ठीक है भाई? सो चलो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं और चल के कुछ खाते हैं. ओके गाइस, सो हमारी आज की वीवीआईपी गेस्ट है एनी, और एनी साहिबा जब भी आती है तो हम लोग जो है ना वो पीसी और अपना शेरडन और अपना मेहरान यहाँ वहीं जाते हैं. सो आज हम इसको लेकर आए हैं कबाब जीस, क्योंकि हमारी बहन हो चुकी है शादी के बाद बहुत वीवीआईपी. और ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है. मजाक कर रही हूँ, हम लोग पहले से ही वीवीआईपी है गाइस. चल चूट, आप लोग जानते हो रोजाना मतलब इधर दो दरिया ये तो हम आते ही जाते रहते. चुप, बिल्कुल चुप. अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार तो चलो लेट्स गो. एंड यस यार, सर्दी हो रही है, अभी हम सोच रहे हैं कि कोई ना इंडोर ही बैठा जाए, आउटडोर ना जाए. मेरी गन तो नहीं दिख गई इनको, टोटो बच गया. तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बात तो सही है काशी. अर्चना को देख यार क्या लग रही है यार, माशाल्लाह क्या लग रही है यार. अर्चना चल चूट, क्या लग रही है यार, टाइट शॉपिंग की है इस लड़की ने. हाँ जो इसने ली थी अभी शॉर्ट से, बेटा ये इसने टॉप भी शॉर्ट का ही पहना होगा. खूब पब्लिसिटी करती हूँ मैं ब्रांड की. इधर आओ, वीडियो नहीं बनवाएगी भाई. गाइस, इसने मुझे इतनी एक्सपेंसिव 30,000 रुपए का क्या बोलते हैं उसको वॉकर ट्रोलर फलाना ढिवाका जो भी है वो ला कर दिया. अब कह रही है वो यूज करो. भाई मेरी बात सुन, तू अपनी मर्जी से वो लेकर आई है. मैं कोई पागल हूँ कि मैं तुम्हारे एक वो जो है ना वो वॉकर के चक्कर में
तुम्हारे वॉकर के चक्कर में बच्चों को साथ लेके जाऊं, जब तुम्हें पता है मैं बच्चे साथ लेके जा रही, तुमने मुझे वॉकर गिफ्ट क्यों की? पैसे जाया हुए ना। सो गाइज, हम लोग जो है वो आ चुके हैं साहिल समंदर के किनारे। वैसे तो हमारा इरादा था इंडोर का, यहाँ तो ऐसा समा है कि जैसे किसी की माशाल्लाह से शादी हो रही हो। अगर फोन पागल है क्या साली, बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में सलना? अगर फोन गिर गया तो दूसरा आ जाएगा, पता नहीं है, यूट्यूबर बन चुकी हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ले लेंगे, कुछ नहीं होता। चल चूट। इसने मुझे ऐसा डराया है ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। वैसे नहीं नहीं नहीं, खुद ही आते हैं ये समंदर के अंदर। हाय, जिंदगी में काफी देर से समझ में आया, लेकिन समझ में आ गया कि सुकून जो है ना वो मतलब लोगों से ज़्यादा दूर रहने में ही है। जो लोग आपके अच्छे हैं, अपना समझते हैं, तो उनके करीब रहो, और जो अपने नहीं हैं वो आपका साथ छोड़ देंगे। ये साथ छोड़ना, साथ देना, ये सब लॉकडाउन से शुरू हुआ था यार, जिसमें हमें पता चला रियलिटी का, लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उस 2019-20 से लेके 2024 शुरू हो गया है। बहुत सुकून है ज़िंदगी में, और आप लोगों को भी यही बोलूँगी यार कि जितने कम लोग उतना ज़्यादा सुकून। और हमेशा हमेशा ज़रूर जो है ना वो अपने अच्छे लोगों को पहचाने, कोशिश करें उन्हीं के साथ ही टाइम स्पेंड करें। फजूल में लोगों को दिखावा करने के लिए या फिर कुछ टूटे फूटे रिश्ते हर वक्त आप ही जोड़ोगे क्या? उनको जोड़ने के लिए मतलब जिनसे दिल नहीं मिलता ना, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे मुनाफ़िकत के तौर पे रिश्ता रखना ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल, मुनाफिक होने से बेहतर है कि आप अपना साइड पे हो जाओ, अच्छे से रहो। तो बस यार, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक सेलिब्रेशन चल रही थी माशाल्लाह से, वो हम देख रहे थे और मज़ा आ रहा था, खाना आ गया। ओके गाइस, सो नाउ वी आर हैविंग आवर डिनर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस हु आर वेरी वेरी लाउड एंड दे आर एंजॉयिंग द यू नो इवेंट, बट हम लोगों का हो रहा है दिमाग खराब। सो गाइस, हमारा जो है वो डिनर आ चुका है, एक्चुअली पेट फुल हुआ है, मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। सो हमने ऑर्डर की थी मंदी, क्योंकि ऑलरेडी हम इससे पहले खाना खा चुके थे, और यहाँ पर ये हो रहा है कि ये सब प्लेट डाले जा रहे हैं, सब बच्चे प्लेट से निकाल रहे हैं। मेरी पेप्सी, एक पेप्सी, दो पेप्सी कर दे, मशीन के पास कुछ नहीं आया, सो से सो यार मुझे पेप्सी की जगह ना 7-Up ही कर दो, बस सिर्फ 7-Up। चलो गाइस, डिनर करते हैं देन मिलते हैं। वहाँ पे सामने बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड आई मिस्ड माय बेबी अजान। अजान आता तो उसको ये सामने सी शी देख के बड़ा मज़ा आता। खाना भी हमने जल्दी खा लिया, मूवी भी हमने जल्दी देख ली। नाउ इट्स टाइम टू मूव एंड वी आर गोइंग टू होम। ओह माय गॉड, यस काशिफ, सर्दी चल रही है ना इधर, इस वजह से। Best friend, Mama, who has given to you that chocolate? Mama, come here, show them, come here, show them. Yes, show them. Mama ne mujhe chocolate di hai, guys. Show them. Ah, thank you. Okay, guys. So, बहुत थक गई हूँ. I don't know what happened with me. मेरे shoulders में बहुत 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 pain है. पता नहीं क्या हो गया है, काशिफ कह रहे हैं शायद नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा आज जो शो था जिसकी वजह से, ओपन कर दूं, मेरा आज शो था हम न्यूज़ वाला, उसकी वजह से सुबह जल्दी उठी थी, मैं सोई बहुत देर से थी, तो उसकी वजह से उठी बहुत लेट, जल्दी देर से सोई 8 बजे, और उठी जो है ना वो बहुत जल्दी, जिसकी वजह से शायद नींद पूरी ना होने की वजह से ये है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मेरे साथ एक इब्राहिम रो रहा है, सो मेरे साथ एक सेकेंड अजान मैं दे रही हूँ। गाइज आई एम सॉरी, आई थिंक ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। मैं बिल्कुल भी सुस्त और काहिलों वाली एनर्जी के साथ आप लोग के साथ नहीं आना चाहती सामने, लेकिन दिस इज़ रियलिटी, नॉट फीलिंग वेल। दुआ करें बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए, शोल्डर पेन मेरा ठीक हो जाए, थोड़ा नींद छीन लेंगे, कल इंशाल्लाह नया दिन स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइज सिर्फ आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें देखना उसके बावजूद व्लॉग्स बनाना, वीडियोस बनाना, आप लोग का इतना प्यार भी मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है,
थैंक्स टू यू, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।